और इस बीच उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के महाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने वहां कुदरत की मार झेल रहे लोगों से बातचीत की और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख भी जाहिर किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बारिश से हो रहे हादसों पर नियम की जरूरत है जिसे जल्द बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कई लोगों के मकान ढह गए। महाड़ में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। महाड़ के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं और बताया जा रहा है कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं। मेरे साथ आपदा एवं प्रबंधन मंत्री विजय वेदेट्टीवार हैं। सर, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर सीएम के साथ, क्या चीजें अब तक पता चल पाई है और किस तरीके से आगे की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तलई में जो हादसा हुआ है ये हम कहेंगे कि ये अनपेक्षित है, कोई सोच नहीं सकता सोच के बाहर का। ये गांव जो बसा है, ये गांव मूलतः इस यादी में नहीं है जो प्रवण से होता है। ऐसा है कि अब जब ढकपुटी जैसा वेदर फट जाता है या हमारे अंदाज गलत हो सकते हैं, जो हमें कहा गया था कि रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट से भी बढ़कर ये बारिश हुई और यहाँ पे 250 मिलीमीटर की बारिश हुई। महाबलेश्वर में 22 घंटे के अंदर में बारिश हुई, इससे रोकना मुश्किल हो गया था और इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत लोगों की जान गई है। अभी और भी लोगों को ढूंढने का काम, जिसकी बॉडी भी और है जो मिसिंग है उनको भी ढूंढने का काम हमारे एनडीआरएफ की टीम कर रही है। तो महाराष्ट्र का रायगढ़ और महाड़, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रायगढ़ का ये महाड़ इलाका जहां पर बारिश की वजह से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, भारी बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है तो कई जगहों पर लोगों के मकान तक ढह गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 33 लोगों के शव तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वहां दबे हों। आशंका यह कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। सड़कों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के मकानों में पानी भर गया और इस सबके बीच मुख्यमंत्री की तरफ से भी इन इलाकों का हालांकि दौरा किया गया है और इन हादसों पर उन्होंने दुख जाहिर किया। ये भी भरोसा दिया कि नियम बनाने की जरूरत है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं, नियम बनाने की जरूरत है और जल्द ही उस पर विचार किया जाएगा, जल्द उन नियमों को बनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से